दोस्तों सीबीएसई की ओर से 12वीं बोर्ड के रिजल्ट को लेकर नया फार्मूला बता दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए जवाब के मुताबिक 10वीं, 11वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर ही 12वीं बोर्ड के परिणाम तय किए जाएंगे। दोस्तों सीबीएसई ने भले ही ये फार्मूला बता दिया हो, लेकिन स्टूडेंट और टीचर इसको लेकर ज्यादा संतुष्ट नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए टीचरों ने बताया कि सीबीएसई ने अगर ये फैसला किया है तो कुछ सोच समझकर ही किया होगा, लेकिन फिर भी इसमें काफी सुधार की आवश्यकता थी। फिर भी हमें सीबीएसई द्वारा लिया गया ये फैसला मंजूर है, क्योंकि सीबीएसई कभी भी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने की सोच नहीं सकता। दोस्तों टीचरों के अतिरिक्त छात्रों ने भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि 11वीं क्लास के 30% नंबर ज्यादा है, इनको कम करना चाहिए था, क्योंकि 11वीं क्लास में हर स्टूडेंट को सब्जेक्ट समझने में वक्त लगता है, तथा साथ ही किसी भी छात्र ने नहीं सोचा था कि उनके साथ भविष्य में ऐसा होने वाला है। इसलिए 11वीं क्लास में बच्चा बढ़िया तैयारी नहीं करता, क्योंकि हर किसी की कोशिश 12वीं क्लास में अच्छे नंबर लाने की होती है, ताकि आगे चलकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके। इसके अतिरिक्त दोस्तों सीबीएसई के फार्मूले में 10वीं के नंबर शामिल करने को लेकर भी छात्रों द्वारा सवाल खड़े किए गए। छात्रों ने कहा कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट अलग होते हैं। 10वीं और 11वीं 12वीं क्लास में सब्जेक्ट सेम नहीं है। हालांकि बच्चों ने एग्जाम कैंसिल करने के फैसले का स्वागत जरूर किया है। बच्चों ने कहा कि कोरोना को देखते हुए एग्जाम कैंसिल करने का फैसला सही है, अगर बाद में हालात सुधरते हैं तो एग्जाम लिए जा सकते हैं। अधिकतर बच्चों द्वारा यही रिएक्शन दिया गया कि अगर 10वीं के नंबर्स को 30% स्थान दिया गया है तो वो ठीक है, लेकिन 11वीं में जो 30% नंबर को जोड़ा जा रहा है उसे कम करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं कि 12वीं क्लास के जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो 31 जुलाई को घोषित किया जाएगा। सीबीएसई द्वारा जानकारी दे दी गई है। बच्चों के रिजल्ट के लिए जो फार्मूला तय किया गया है, उसमें 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम के 40%, 11वीं के फाइनल एग्जाम के 30% और 10वीं के 5 सब्जेक्ट के 3 बेस्ट नंबर के 30% नंबर्स को जोड़ा जाएगा। इसी आधार पर बच्चों के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको सीबीएसई का ये फार्मूला कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।